मातरम वंदे 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदा वरदा मातरम् वंदे 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 मातरम् अब लखन मात बोले बहुबल धरनी नमामि तरनी विपुदल वरनी मातरम वंदे वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्।
साथ में आयोजन करते हैं। सबसे पहले आप सभी को आजादी के इस 78वें अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आज हमारी देश को आजाद हुए 78वां साल लगा है और इस उपलक्ष्य पर आइजैक इंस्टीट्यूट की तरफ से इस आयोजन का निर्माण किया गया है। मैं आइजैक इंस्टीट्यूट के एमडी श्री नरेंद्र स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट में आज चंबा की एक बहुत ही महान विभूति चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच में आए हैं। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए कहना चाहूँगा, आप हमारे मेहमान हैं। अनुमति चाहूँगा, विधिवत तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। माननीय मुख्य अतिथि जी से एवं हमारे आइजैक इंस्टीट्यूट के एमडी श्री नरेंद्र सर से आज के इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे वीर जवान जोत जगाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे चंबा सदर के लोकप्रिय एवं परोपकारी चंद्रलाइने में फिर से वीर जवानों के लिए कहा कि आओ चंद्र सलाम करें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है, कि आओ चंद्र सलाम करें जिनकी जिंदगी में। एमडी श्री नरेंद्र सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय गीत के लिए वंदे मातरम के लिए जी आई ग्रुप को, जी आई ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज। वजह से मुझे यहाँ पर मंच संचालन करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मुझे सभी अपनों के साथ और चंबा की एक बहुत ही महान विभूति चंबा सदर के बहुत ही परोपकारी एवं लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी के सामने हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि कार्यक्रम में तालियां ना हो तो कार्यक्रम में मजा नहीं है, तो तालियां कृपया होनी चाहिए। शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित कर रही है साथ ही मेरा निवेदन रहेगा एमडी सर से, क्योंकि एमडी श्री नरेंद्र सोनी जी इसके बाद जो दूसरा डांस ग्रुप है कृपया अपने सॉन्ग पहले से देकर रखें ताकि कार्यक्रम में देरी ना हो।
मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आज हम आजादी का 78वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। तारीफ के पात्र भी हमारे आइज़ैक इंस्टीट्यूट के युवाओं में नई नई स्किल्स, नई नई तरह के कार्य वो देके उनको रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से मंच के माध्यम से उनका धन्यवाद एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारी परोपकारी और आम जनमानस के मसीहा चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच में आए हैं। इन्होंने व्यस्तता के चलते भी हमारे कार्यक्रम के लिए अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा वो मंच पर आए और हमारे माननीय मुख्य जी का स्वागत। श्री नीरज नैयर जी, वाह सर, आपके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं तथा संस्थान के सभी विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सर, हमने पिछले साल ही ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है, मोस्टली जून में, तो आइज़ैक की फ्रेंचाइजी के नाम से हमने स्टार्ट करा था। फिर हमें हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से एक टेंडर अवार्ड किया गया सर, जिसमें फ्रंट ऑफिस एंड अपना हाउस कीपिंग के दो ट्रेड मिले सर। हमने वो 120 बच्चे निकाले, यहाँ से पास आउट करवाए, देन उनको प्लेसमेंट करवाया सर। कुछ स्टूडेंट्स सेमी गवर्नमेंट में देन प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। अभी पाँच और छः मई को हमने एक इंटरनेशनल कैंपस करवाया था छोटा सा, उसमें हमारे 9 कैंडिडेट्स उन्हीं स्टूडेंट्स 120 स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट हुए हैं दुबई के लिए सर, क्लियर हाउस के लिए। तो सर, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा सपोर्टिंग रोल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। आज आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। सर, जो कोर्स अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ 1,00,000, 1.5 लाख पेमेंट चार्ज करती हैं, वो हिमाचल सरकार ने सर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बैग, बुक्स सर, यूनिफॉर्म्स, इवन सर उनकी प्लेसमेंट तक के भी खर्चे गवर्नमेंट कर रही है सर। तो आज आज़ादी के पर्व पे मेरा छोटा सा यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि आने वाले टाइम में वक्त थोड़ा सा संभाल के रहें, बर्बाद ना करें, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका बेनिफिट लें, क्योंकि सारी सरकारें सेम जैसी नहीं आती हैं सर। आपकी गवर्नमेंट आई बहुत ही बिखरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो HBKVN के हमने बच्चे निकाले उनका प्लेसमेंट तक का सर, बसों का किराया तक भी गवर्नमेंट ने दिया सर। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सभी स्टूडेंट्स को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हार्डली थैंकफुल, थैंक यू सर। इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए, मैं कितनी बार तारीफ करूं माननीय मुख्य अतिथि जी के, क्योंकि ऐसा चरित्र है कि हर वक्त आम जनमानस के लिए अनिवार्य है हर वक्त। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा सुविधा ताली से स्वागत करें। ऐ वतन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश।
का प्यार का चुमन इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कोना कोना देश का इसका हम सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन इसके मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वदन इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमें जीने का चलन जीने का चलन जीने का चलन इसके वास्ते निसार है। मेरा मन मेरा तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन शाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जरीना का हमारे कार्यक्रम की जान और शान। मुख्य अतिथि जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, वो मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। यहाँ एकत्रित हुए हैं सबको जो है 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर, मैं बोलना चाहूँगा इस पूर्व संध्या पर आप सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही में जितने भी यहाँ हमारे इस एसेक्ट जो आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसके एमडी सोनी साहब और जितने भी यहाँ टीचर्स हैं आप सबको भी जो है स्वतंत्रता 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई। और अभी एमडी साहब ने बोला तकरीबन इस इंस्टीट्यूट को चले हुए 1.5 साल तकरीबन हुआ है और 120 के करीब बच्चे जो हैं यहाँ से जो हैं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेके जो है यहाँ से निकले हैं। और मेरे को जो बताया गया है तकरीबन 10 बच्चों की प्लेसमेंट जो है वो दुबई में हुई है और अन्य क्षेत्रों में भी जो है ट्रेनिंग के बाद जो है नौकरी भी जो है उपलब्ध कराई जा रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सबको। साथ ही में हमारे NSUI की पूरी टीम यहाँ है, इनको भी जो है मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई। और साथ ही में ये जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं ये सरकार जो है इस पे जो है पूरा जोर देके जो है रखी हुई है और तकरीबन 1.5 वर्ष हुआ है प्रदेश में हमारी सरकार बने और शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत तरक्की जो है प्रदेश जो है वो कर रहा है। और अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि काफ़ी स्कूल्स जो हैं, अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो काफ़ी स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं और प्राइमरी से मिडिल किए गए हैं, मिडिल से हाई किए गए हैं और हाई से सीनियर सेकेंडरी किए गए हैं। तो सरकार जो है शिक्षा के ऊपर जो है बहुत तवज्जो दे रही है। इससे पूर्व में जितनी कांग्रेस की सरकारें रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो है सरकारों का जो है बहुत फोकस रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और सरकार का भी ऐसा मानना और मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर ऐसा मानना है कि अगर बच्चों की शिक्षा जो है वो अच्छी होगी तो आगे आने वाले वक्त के अंदर जो है उन्हें आगे बढ़ने से जो है कोई रोक नहीं सकता है और वो
प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है अपना योगदान जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो दे सकते हैं। इसीलिए शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है रहती है। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के रोहित ठाकुर जी, वो स्वयं जो है चंबा के ऐतिहासिक चौगान में जो है वो झंडा जो है वो लहराएंगे। और आप सब भी जो है उसके लिए जो है निमंत्रित हैं। और ज़्यादा लंबा भाषण मैं यहाँ देना नहीं चाहूँगा। और आपका जो एमडी साहब हैं सोनी साहब, उन्होंने आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया तो इसलिए मैं यहाँ आपके बीच में हाजिर हुआ। बहुत अच्छा लगा कि मुझे आभास हुआ, यहाँ पता लगा कि 120 के करीब बच्चे जो हैं इस 180 शायद आपने बोला 180 के करीब बच्चे जो हैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दो जो फील्ड्स हैं इन्होंने बताई जिसके अंदर इनके इंस्टीट्यूट को जो है मान्यता हासिल है, उसमें से एक है फ्रंट ऑफिस और एक है हाउसकीपिंग। दोनों जो हैं दे आर लिंक्ड विद होटल इंडस्ट्री, होटलिंग से लिंक्ड है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने नीचे अपना कंप्यूटर लैब दिखाया मुझे, तो ये बता रहे थे मुझे कि हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को टैली के अंदर। तो मैं इनको यही बता रहा था टैली भी इम्पॉर्टेंट है बट टैली इज मोर रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। जब आप हाउसकीपिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो या आप फ्रंट ऑफिस के ऊपर फोकस कर रहे हो तो बहुत सिंपल जो है कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स चलते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे आपका होस्ट है चाहे आपका IDCS है, ये बड़े सिंपल प्रोग्राम्स हैं। और इन्हीं जो है i3 i4 कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो चल सकते हैं। और बच्चे, मेरा ऐसा मानना है यहाँ से ट्रेनिंग लें तो आपको अपने इलाके में जैसे डलहौजी है, चंबा है, भरमौर है, जितने अच्छे होटल्स हैं 3-star 4-star 5-star, अगर इसके अंदर भी आप इन प्रोग्राम्स को ऐड करें, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑल यू हैव टू डू इज पंच इन। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप इनको सिखा रहे हो मुझे नहीं लग रहा कि 2-3 महीने से ऊपर जो है अगर आप इनको उसमें ट्रेनिंग देंगे, ये सॉफ्टवेयर हैं और ये बाजार में अवेलेबल है, आप इन बच्चों को ट्रेन करो इसके अंदर। और मुझे लगता है कि हमारे इलाके के अंदर ही बहुत ऐसे होटल्स हैं जो इन सॉफ्टवेयर्स को जो है यूज़ कर रहे हैं। टैली जब आप कर रहे हो, टैली इज़ मोर ऑफ अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर, फिर आप थोड़ा सा अकाउंटेंसी की तरफ जा रहे हो रादर देन हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मान्यता इन दो चीज़ों की मिली है तो आप इसको भी जो है अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो बच्चे फॉर इंस्टेंस अगर दुबई भी जा रहे हैं तो आई एम श्योर इनमें से कोई कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दुबई के होटल्स भी जो हैं वो यूज़ करते हैं। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर, आप फेमस 8-10 सॉफ्टवेयर कंपनी से आप लिंक करो और उसको यहाँ आप चलाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आधे से आधे बच्चों को 15-20-25 हज़ार घर के आसपास बैठे हुए जो है जॉब्स जो हैं अवेलेबल हो सकती हैं। शायद आपको इस चीज़ पे आपने ध्यानपूर्वक तरीके से सोचना, मुझे ये चीज़ लगी बिकॉज ये होटल इंडस्ट्री से लिंक है और क्योंकि फ्रंट ऑफिस और आपने हाउसकीपिंग बोली तो ये जो है इन लोगों को बहुत जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है फ़ायदा देगी, मेरा ऐसा मानना है। और सरकार तो आपको जो है हर फैसिलिटी जो है आपको मुहैया करा ही रही है। और अभी आपने बताया है कि पूरे बच्चों को जितनी भी बुक्स हैं एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सरकार का ध्येय है कि जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, खासकर गाँव के बच्चे जो हैं उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। और यही स्किल डेवलपमेंट से जो है जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉस्ट। तो एक बार फिर से जो है मैं अपनी ओर से जो है सबको जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और अगर मैं कुछ भी आपके काम आ सका, अगर आपको मेरे से कोई फीडबैक चाहिए, मेरे से कोई मदद चाहिए सरकारी तौर पर तो लेट मी नो, और मेरे से जो बन सकेगा आई विल बी अवेलेबल।
और जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको भी जो है बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से इनको भी जो है रोज़गार जो है का मौका मिला है, और आने वाले वक्त के अंदर जो है और भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं अभी मेरे से काफ़ी लोग टच में हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। आई एम श्योर कि और भी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हर इलाके के अंदर जो है दस्तक देंगे और अपना जो योगदान है देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए जो है अपना योगदान जो है वो देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ज़्यादा आगे अच्छा लगा आप आए यहाँ पर, हमें और भी खुशी हुई। इससे पहले कि मैं अंतिम प्रस्तुति की तरफ बढ़ूँ, एक कंपटीशन करवाया गया था, पेंटिंग कंपटीशन। हम मैं चाहूँगा उन सभी को आप प्राइज देकर सम्मानित करें। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे चार छात्र आए हैं। इसमें पहले स्थान पर ज्योति है पेंटिंग में, पहले स्थान पर ज्योति है। ज्योति प्लीज कम ऑन द स्टेज। की फर्स्ट आई है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए, इसी में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिमरन प्लीज कम। माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए कहना चाहूंगा कि देखो तारों का हुजूम धरती पर उतर आया है, कि देखो तारों का हुजूम धरती पर उतर आया है, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि खुद चांद भी यहाँ उतर आया है, चांद भी यहाँ उतर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रस्तुति की तरफ। मैं डांस के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा रिया एंड पार्टी को। प्लीज रिया एंड पार्टी कम ऑन द स्टेज। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। सफाई वाले इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे यहाँ आने का कष्ट किया। थैंक यू, थैंक यू सर। इसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन कार्यक्रम है, मैं निवेदन करूँगा तुलसी एंड पार्टी को कृपया मंच पर आ जाए। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य अतिथि जी से इन सभी को इनाम देकर सम्मानित करें।
इसी बार प्रियंका मैडम, मैं धन्यवाद करता हूं, इन्होंने अपना कीमती समय हमारे आइजेक इंस्टीट्यूट के लिए निकाला और बहुत बहुत बधाइयां आइजेक इंस्टीट्यूट के एमडी श्री नरेंद्र सोनी जी को और इंचार्ज पूजा मैडम और समस्त स्टाफ मेंबर्स को। और एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से एवं मंच के माध्यम से सभी को 78वें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ एवं बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश को 78 साल हो चुके हैं आजाद होते हुए।